नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको किचन में सिंक मिक्सर कॉक इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पीछे किचन सिंक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए किचन सिंक का पॉइंट बनाया हूँ मैं। और यहाँ पे दोस्तों जो सिंक मिक्सर कॉक इंस्टॉल होने वाला है वो देखिए यहाँ पे है दोस्तों, ग्रेविटी का सिंक मिक्सर कॉक है, ब्रांडेड सिंक मिक्सर कॉक है और काफ़ी बढ़िया सिंक मिक्सर कॉक है। अभी मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों सिंक मिक्सर इंस्टॉल करने में कौन कौन सी बारीकियाँ देखी जाती है, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको सिंक मिक्सर कॉक यहाँ पर इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। ये देखिए इसको खोल दिया मैं और जो सिंक मिक्सर कॉक है दोस्तों वो यहाँ पे है। ये देखिए ये सिंक मिक्सर कॉक है, देखिए काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, अभी दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इतना सामान है और बाकी यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी नहीं है, एक वारंटी कार्ड है दोस्तों। अब यहाँ पे ये देखिए दो सीपी फ्लांज है, लेफ्ट और राइट लगेगा हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की जगह पर। और ये दो एलवेंट है दोस्तों इसको एडजस्ट करने के लिए, अगर आप सिंक मिक्सर का पॉइंट दोस्तों अगर हल्का सा अप डाउन या फिर तिरछा हो जाता है तो उसको ये एडजस्ट करेगा लगाना। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। दो ब्लैक वाशर मिलता है जो कि काफ़ी हैवी है। उसके बाद सबसे अच्छी बात दोस्तों देखिए ग्रेविटी कंपनी वाले में यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ प्लम्बर्स वाउचर पॉइंट रिवार्ड 20 पॉइंट। यहाँ पे देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं एकदम ग्रेविटी लोगो है, प्लम्बर्स वाउचर रिवार्ड 20 पॉइंट। इस सिंक मिक्सर कॉक में दोस्तों आपको 20 रुपये मिलेंगे। इसका ऐप आता है ग्रेविटी का, उसमें दोस्तों ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो 20 रुपये आ जाएगा। 1000 पॉइंट जब इकट्ठा हो जाता है तब दोस्तों ये रिडीम हो जाता है। उसके बाद अब ये देखिए मेरा ये सिंक मिक्सर कॉक है, देखिए दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और काम भी इसका बढ़िया है, अभी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी खास बात दोस्तों इसकी ये देखिए यहाँ पे जो इसका हैंडल है दोस्तों ऑन ऑफ करने के लिए, राइट साइड में कोल्ड वाटर आता है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आता है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे देखिए ये साइड में दिया गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में है, ये भी साइड में है और ग्रेविटी का लोगो देखिए यहाँ पे है, मैं लोगो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ग्रेविटी का लोगो लगा हुआ है और इस साइड भी दोस्तों ये ग्रेविटी का लोगो लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आउटलेट इसका देखिए 360 डिग्री पे मूव हो रहा है। और सबसे अच्छी खास बात दोस्तों इसकी ये कि यहाँ पे देखिए ये जो इसका नोजल दिया हुआ है आउटलेट, यहाँ पे जो जाली लगा है ये निकल भी जाता है और ये मूव भी हो रहा है। अब ये भी देखिए चारों तरफ मूव हो रहा है, ये देखिए इस तरह से ये देखिए मूव हो रहा है और खोल के मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से खुल गया, ब्लैक वाशर है वाटर लीकेज को रोकने के लिए। अभी दोस्तों इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है चाहे किसी भी ब्रांड का ये सिंक मिक्सर कॉक हो बिल्कुल आसानी से आप इसको फिट कर सकें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है और ये देखिए ये एलवेंट है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसको इस तरह से लगाना है, बाहर ही पहले इसको चेक करेंगे। ये मुझे ये चेक करना है कि ये जो सीपी फ्लांज है दोस्तों ये टाइल से चिपकना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए पीछे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अभी मेरे कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए टाइल्स के पीछे देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस आ रहा है। तो ये स्पेस को कवर करना है, ठीक है। कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एल बैंड है इसको थोड़ा सा कट करना होगा, मैं इसको भी देख लेता हूँ। देखिए अभी दोस्तों क्या हो रहा है, दोनों में स्पेस आ रहा है, इधर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच रहा है और इधर भी स्पेस बच रहा है। तो अभी क्या करना होगा, मुझे इसको कट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे जो एल बैंड है ये देखिए यहाँ पे कट किया जा रहा है, आप इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से कट कर लेंगे जितना लंबा आपको कट करना है। तो अभी देखिए इसको हम लोग कट कर रहे हैं, इसको इसलिए कट करना पड़ रहा है ताकि जो है ये जो सीपी फ्लांज है दोस्तों ये वाला, ये वहाँ पर जो पॉइंट है टाइल से बिल्कुल चिपकना होना चाहिए, ठीक है, तभी ये अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये जो दोनों एल बैंड है इसको मैं कट करके निकाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टुकड़ा है, मैं कट करके इसको निकाल दिया। अब इसको यहाँ पे लगा के देखेंगे, इंस्टॉल करने से पहले अभी इसको बाहर ही टेस्ट करना है। मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ, ये सीपी फ्लांज को चेक करना है, टाइल से बिल्कुल चिपकना चाहिए नहीं तो गंदा दिखेगा। ये
ये देखिए दोस्तों, ये अब बिल्कुल टाइल से एकदम चिपक गया। कट करके निकालने के बाद अब देखिए ये टाइल से बिल्कुल चिपक जा रहा है। ठीक है, दूसरे वाले को भी चेक करेंगे। ये देखिए दोनों दोस्तों यहाँ पे अभी बिल्कुल टाइल से चिपक जा रहा है, बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए दिखने में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, और इसके पीछे जब गैप आता है दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखाई देता है। अभी ये बिल्कुल टाइल से चिपक गया है, अभी क्या करेंगे, अब ये दोनों को खोल लेना है वापस। ठीक है, ये देखिए दोनों को खोल लिया मैं वापस। उसके बाद अब क्या करना है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टेफ्लॉन लगाएंगे। टेफ्लॉन को दोस्तों इसमें आपको कम से कम 35 राउंड मैक्सिमम 40 राउंड लगाएंगे। इसमें टेफ्लॉन को ज़्यादा इसलिए लगाना है क्योंकि दोस्तों सिंक मिक्सर को फिट करते टाइम ये जो एल बैंड है इसको लेफ्ट राइट एडजस्ट करना पड़ता है इस तरह से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टेफ्लॉन को हम ज़्यादा लगाएंगे। ये देखिए दोनों में इस तरह से प्रॉपर टेफ्लॉन लगाना है। अब दोस्तों इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और लगाते समय आपको चेक करते हुए भी जाना है कि दोस्तों जो मेरा ये सिंक मिक्सर कॉक है कहाँ पे सेट हो रहा है। अब देखिए दोस्तों इसको मैं यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। इतना यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहीं पे सेट हो रहा है मेरा। ये देखिए बिल्कुल एकदम फ्री टाइट हो रहा है। थोड़ा भी यहाँ से दोस्तों ये तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक नट दोस्तों यहाँ पे टाइट चढ़ेगा और एक लूज चढ़ेगा। तो देखिए उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों ये जो लेग लगा हुआ है ये टूटने का चांस होता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से ये दोनों को लेफ्ट राइट करके आप एडजस्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्री चलना चाहिए, देखिए इस तरह से। अभी देखिए प्रॉपर यहाँ पे ये सेट हो रहा है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अब सीपी फ्लांज को लगाएंगे। अब दोस्तों ये देखिए ये सीपी फ्लांज है, अब ये सीपी फ्लांज को यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए टाइल से चिपक गया, इसको भी लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे सीपी फ्लांज लगने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर स्पेस बच रहा है ताकि जो है ये हम सिंक मिक्सर का ये जो नट है यहाँ पे टाइट कर सके, उतना स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से लगाने से पहले ब्लैक वाशर का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का दो वाशर है। ठीक है, ये लीकेज को रोकता है, इसको आपको लगा लेना है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों ब्लैक वाशर यहाँ पर इस तरह से लगा लेना है, चाहे आप यहाँ भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए देखिए इसमें इस तरह से वाशर को मैं लगा लिया। उसके बाद आप देखिए ये दोनों को यहाँ पे टाइट करेंगे। देखिए अब इसको स्क्रू इन से बराबर टाइट करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले एक को फुल टाइट कर दूँ उसके बाद इसको करूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी सिंक मिक्सर कॉक में या फिर वाल मिक्सर में दोनों को एक बराबर टाइट करेंगे। और देखिए ये ग्रेविटी का दोस्तों सिंक मिक्सर कॉक है, दिखने में दोस्तों काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी इसका प्रेशर भी ये बिल्कुल ज़बरदस्त प्रेशर आएगा क्योंकि दोस्तों ये जगुआर से कम नहीं है। ठीक है, जगुआर या फिर और जो हिंदवेयर है उस ब्रांड से ये कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देगा, बल्कि उससे ज़्यादा प्रेशर देगा। अभी मैं दोस्तों आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिएगा आप बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो अब दोस्तों फाइनली देखिए यहाँ पे ये सिंक मिक्सर कॉक पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में दोस्तों कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे हॉट वाटर आएगा। अब देखिए प्रॉपर इसको मैं फिक्स कर दिया हूँ, देखिए दिखने में कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि प्रेशर इसमें कैसे ज़्यादा आएगा। और दोस्तों मैं जो ब्रांड देखा हूँ, कई ब्रांड का मैं इंस्टॉल किया हूँ, तो वहाँ पर मैं देखा हूँ दोस्तों ये जो चीज़ है ना ये पतला होता है, वहाँ से प्रेशर तो ज़्यादा आएगा पाइप में, लेकिन यहाँ पर आके प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ग्रेविटी कंपनी में इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। ये देखिए यहाँ पे ये जो इसका डाया है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोटा है, यहाँ से पानी आएगा, देख सकते हैं आप पूरा एक इंच है। ठीक है, ताकि जो है प्रेशर डिक्रीज ना हो। और इधर भी देखिए यहाँ पे एक इंच है, तो अभी क्या होगा, सप्लाई में ऑन करूँगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। 360 डिग्री पर ये मूव होगा, देखिए। उसके बाद यहाँ से भी है एडजस्ट करने के लिए दोस्तों, ताकि जो है जब हम बर्तन वगैरह सब धोती हैं लेडीज लोग, तो ये पानी दोस्तों एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आगे लेना है, पीछे लेना है, यहाँ पे साइड में लेना है, इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो अभी दोस्तों ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है मेरा ये ग्रेविटी वाला सिंक मिक्सर कॉक। अब मैं सप्लाई को ऑन करके इसका प्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ,
और लास्ट में दोस्तों इसका मैं प्राइस आपको बताऊंगा और साथ ही डिस्काउंट बताऊंगा कि दोस्तों इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, डिस्काउंट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है ये ग्रेविटी वाले सिंक मिक्सर कॉक में। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे सप्लाई को ऑन कर दिया हूँ, टैंक के पास दोस्तों जो गेट वाल्व लगा होता मेन वाला उसको मैं ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको प्रेशर टेस्ट करके दिखाऊंगा और साथ ही दोस्तों इसको मैं ऑपरेट करना भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड में दोस्तों हमेशा कोल्ड वाटर आता है और लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर आता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये हॉट वाटर की जगह पे क्लाइंट की डिमांड से मोटर का भी सप्लाई डाल सकते हैं, कई सिटी में कई एरिया पे डिपेंड करता है ये चीज़। तो अभी ऑन करने के लिए देखिए इसको इस तरह से मैं ऑन कर दिया, अभी राइट साइड में दोस्तों कोल्ड वाटर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मूव कर सकते हैं आप, ये देखिए धुलाई वगैरह करना हो इस साइड में इस एरिया का तो इस तरह से ये मूव हो रहा है, ये देखिए लेफ्ट राइट, उसके बाद यहाँ से भी मूव होगा। ये एक्स्ट्रा फीचर्स है इसमें, ये देखिए टैंक का पानी दोस्तों जब खाली होता है टैंक तो उस टाइम प्रेशर कम हो जाता है तो उस टाइम ये काम आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा आगे आएगा। देखिए अभी फोर्स यहाँ पे गिर रहा है बिल्कुल सेंटर में किचन का जो सिंक है, ये देखिए इसको इधर भी कर सकते हैं, देखिए इधर मूव कर दिया मैं फिर इधर भी हो जाता है। आप देख सकते हैं प्रेशर दोस्तों बिल्कुल बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है अभी, आप प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको बंद करेंगे, देखिए मैं बंद कर दिया कोल्ड वाटर बंद कर दिया। अब दोस्तों अगर आपको हॉट वाटर चाहिए तो ये लेफ्ट साइड वाला ऑन करेंगे, देखिए अभी इधर हॉट वाटर आने लगेगा। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे गीजर नहीं कनेक्ट है तो गीजर वाले पॉइंट में दोस्तों मैं बाईपास करके ये कोल्ड वाटर वाला ही सप्लाई यहाँ पे भेज दिया हूँ। देखिए हॉट वाटर वाले की जगह पे ये पानी आ रहा है इस तरह से, राइट साइड में कोल्ड वाटर आएगा, इधर लेफ्ट साइड में दोस्तों इस तरह से हॉट वाटर आएगा। तो आप देख लीजिए ग्रेविटी का ये सिंक मिक्सर कॉक है दोस्तों, प्रेशर इसका काफ़ी बढ़िया है देख सकते हैं आप। तो अब दोस्तों ये देखिए ये ग्रेविटी का बॉक्स दिखाई दे रहा है और दोस्तों कंपनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है प्लम्बर्स के लिए जो और कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे प्लम्बर्स के लिए 20 पॉइंट देती है ग्रेविटी कंपनी। ये देखिए प्रोडक्ट भी सही है दोस्तों, प्रेशर आपके सामने है देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया प्रेशर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर अब मैं प्राइस आपको दिखाता हूँ और ये भी बताऊँगा कितना डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए ग्रेविटी का दोस्तों ये जो मॉडल है ये चॉकलेट वाला मॉडल है और भी लेटेस्ट मॉडल है ग्रेविटी कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये जो मॉडल है दोस्तों ये ग्रेविटी चॉकलेट मॉडल है, इसका प्राइस दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा करीब से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2618 रुपीज़, यानी कि 2680 रुपये इसका MRP है और इस पर दोस्तों काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। ये बॉक्स प्राइस है लेकिन इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको और जो डिस्काउंट है दोस्तों वो आपके सिटी और एरिया पे डिपेंड करेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और भी जो ब्रांड है उनसे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको इस पर मिलेगा। तो दोस्तों ये ग्रेविटी सिंक मिक्सर कॉक इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ, आपने देखा मैं इसको इंस्टॉल करके भी दिखाया और ये प्रेशर भी टेस्ट करवाया। देखिए प्रेशर आपके सामने है, काफ़ी बढ़िया प्रेशर दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैं इंस्टॉलेशन का तरीका बताया हूं दोस्तों वो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नेट आपके साथ।